पूर्व सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य सुरेश चंदेल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जांच में प्रदेश सरकार लीवापोती कर बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। परिधि गिरी बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में सुरेश चंदेल ने मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए कहा कि इसके चलते ही अभी तक प्रदेश सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य निदेशक को सेवा विस्तार देने के लिए दिए गए सिफारिश पत्र के नेता का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किस कारण ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे स्तर के लोगों को बलि का बकरा बना रही है। इसका अंदाजा इस मामले की हो रही जांच की स्पीड से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर, पीपीई किट और वेंटिलेटर के रेटों में जो भिन्नता है उससे स्पष्ट हो गया है कि कोरोना जैसी बीमारी के समय सरकार व उसके नेता पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। सुरेश चंदेल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए बुरी तरह असफल साबित हुई है। उन्होंने बताया कि इसका अंदाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्ड लाइन से लगाया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस महामारी से निपटने के लिए डॉक्टर व नर्सों का होना बहुत लाजमी है। आंकड़े देते हुए कहा कि देश में केवल 8,500 डॉक्टर ही हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशानुसार 135 करोड़ की जनता के लिए 3,80,000 डॉक्टर चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 70 लाख की आबादी पर केवल 2,200 डॉक्टर ही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार को लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ईमानदार और घोटालों की जांच करवाने को संजीदा है तो उन्हें न केवल स्वास्थ्य विभाग के घोटालों की बल्कि इससे पहले हुए क्रेप को भी हाई कोर्ट की जल्द से जांच करवानी चाहिए। कोविड 19 के दौरान लोग इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को सहयोग कर रहे थे, लेकिन लोगों के ध्यान में आया कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने खरीद फरोख्त में घोटाले किए और उन घोटालों में महंगे दरों पर इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं और उस सब की वीडियो सार्वजनिक हो रहे हैं। लेकिन इस विषय को हुए कई दिन हो गए और ऐसा लगता है कि सरकार ने जो मुकदमे भी दर्ज किए वो भी ठीक ढंग से नहीं किए। ये एक आपराधिक षड्यंत्र था। आपराधिक षड्यंत्र के तहत 120B के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। माइनर धाराएं लगाने से सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं और जिस तरीके से सरकार के तरफ से या विजिलेंस की जांच में से बीच में कुछ बातें आती रही कि डायरेक्टर साहब की लोकेशन भाजपा कार्यालय की तरफ मिली उस दिन, तो उसकी विस्तृत जांच अभी तक नहीं हुई। जो पृथ्वी सिंह जो बीच में इन्वॉल्व था वो एपेक्स हॉस्पिटल में अप्रैल तक वेतन लेता रहा, ऐसे अखबारों में खबर छपी है। उसके बारे में भी सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, सारी इंक्वायरी डिटेल करनी चाहिए। और इसके साथ साथ किस नेता ने स्वास्थ्य निदेशक को एक्सटेंशन देने के लिए चिट्ठी लिखी थी, ये सारी चीजें गोलमोल तो आती रही लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक जांच में बाहर नहीं आ रही, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। और हमें एज ए कांग्रेस पार्टी ये भरोसा हो रहा है कि सरकार इस पर लिपापोती करना चाहती है। सरकार सारे तथ्यों को बाहर नहीं आना चाहती, ना तो केस ढंग से दर्ज हुआ और ना बाकी चीज़ें उसके बाद बाहर आ रही हैं। और हमें ये लगता है कि सरकार बातें भले बड़ी बड़ी करें लेकिन सरकार की मंशा अब इसको हशप करने की है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की इस मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे, इस विषय को लोगों तक ले जाएंगे। और लोगों को बड़ा दुख हुआ है कि जिन्होंने एक एक रुपए का सहयोग सरकार को देकर के इस महामारी से निपटने में मदद दी, वहाँ सरकार के लोग इस तरीके से चीज़ों के खरीदने जो ढंग की एजेंसी नहीं है, जो कोई प्रॉपर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं करती, ऐसे बीच के लोगों से प्रॉफिट बनाने के लिए खरीदारी की गई, चाहे वो डेराबसी की फर्म हो। अखबारों में छपा है कि 500 स्क्वायर फीट में वो उनका सारा नेटवर्क काम करता है जहाँ से किट खरीदी गई है। तो ये सब चीज़ें एक सवाल खड़ा करती हैं। और जो सरकार ने
सैनिटाइजर्स के अंदर घोटाला हुआ, उसमें एक मामूली सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड करके मुझे लगता है सरकार ने उसकी इतिश्री कर दी, जो कि 50 रुपए के रेट्स को 130 रुपए करने लिखने का काम कर रहे थे, इस तरीके का उन्होंने काम किया। वेंटिलेटर्स की खरीद में सारे रेट्स डिफरेंट डिफरेंट खरीदे गए, तो ऐसा लग रहा था जैसे सरकार के अंदर कुछ लोग अलग अलग जगह से अलग अलग सप्लाई कर रहे थे और मनमाने रेटों पर वो सप्लाई करवा रहे थे। इस बात की आशंका है, सब ने अपने अपने रेट तय करके सरकार को सप्लाई किए, तो ये चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि केवल इन्हीं मुद्दों की जांच ना हो, वेंटिलेटर सैनिटाइजर और ये जो किट्स हैं इन्हीं की इंक्वायरी ना हो। ये यदि 120 बी के तहत मुकदमा दायर होगा तो जो पीछे भी खरीदें हुई होंगी, जिसमें भी घोटाले हुए होंगे, जो सार्वजनिक नहीं हो सके, उनको भी बाहर लाना चाहिए ताकि लोगों के सामने सारी बातें आ सके।